Hello 9th class, I am back with my next video for class 9. In this video I am going to explain you the chapter Weathering the Storm of Irsama. Prashant's visit to Irsama and coming of storm. Prashant went to his friend's house in Irsama on 27th October 1999. It was 7 years after his mother's death. In the evening, heavy and the continuous rain filled the darkness trees and uprooted the waters entered his friend's house. The speed of the wind was 350 km per hour. तो अब ये था कि ये जो कहानी है प्रशांत की है, वो जो है इरसामा गया था अपने दोस्त के घर उससे मिलने के लिए, और काफ़ी भारी बारिश और तूफान आ रहा था। 27 अक्टूबर 1999 की ये बात है जब उसकी मदर को मरे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। इतनी हैवी बारिश हो रही थी कि उसके घर में, उसके दोस्त के घर में जो है पानी भर गया था, और जो है पेड़ वगैरह सब उखड़ गए थे। विंड की स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आर की उसकी स्पीड थी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड देयर। द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज हॉरिबल। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज टू द ऑन द रूफ। प्रशांत वोंट फॉरगेट द हॉरिबल सीन ऑफ दैट ही सॉ। He was greatly shocked to see a huge sheet of water all over. It covered everything as far as the eye could see. The houses were broken. Dead animals and human bodies floated everywhere. Huge trees had fallen, two coconut trees. I had fallen on the house of Prashant's friend. It rains, coconut kept them alive for several days. तो सीन ये था डिस्ट्रक्शन का कि सब कुछ जो है तबाह और बर्बाद हो चुका था, और जो है डिस्ट्रक्शन इतना बुरा था कि प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली जो है वो लोग छत पे चढ़ गए थे, और वो प्रशांत जो है ये हॉरिबल सीन कभी भी नहीं भूल सकता था। सारी जगह पे जो है सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। वहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ उस पानी में तैरती हुई, साथ ही साथ डेड एनिमल्स और डेड ह्यूमन बॉडीज़ थी जो उस पानी में तैर रही थी। बड़े से बड़ा पेड़ भी जो है वो टूट के गिर चुका था। ये कोकोनट के पेड़ भी जो होते हैं वो भी टूट के गिर चुके थे। ये कोकोनट की ही वजह से वो जो है काफ़ी टाइम तक जीवित रहे थे उन कोकोनट्स को खा के। प्रशांत रेडीज टू गो होम For a couple of days, Prashant sat huddled on the rooftop with his friend's family. They were nearly frozen in the cold wind. Prashant thought of his family. He decided to go, though his friend's family asked him to stay back. Prashant was worried about his family, so he got a strong stick. He then started on his 18 kilometer journey to his village. The flood water were swollen. तो अब जो था प्रशांत जो है अपनी फैमिली के बारे में भी काफ़ी चिंतित हो रहा था, और साथ ही साथ जो है उसे ये याद, अपनी फैमिली की याद भी आ रही थी। अब प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली जो कि छत पे बैठे हुए थे, उन्हें ठंड बहुत ज़ोरों से लग रही थी, और ये जो है मतलब एक तरीके से वो जम गए थे ठंड के मारे। उसी टाइम प्रशांत को जो है अपनी फैमिली की याद आई, और उसने जो है अपनी फैमिली के पास वापस जाने के लिए सोचा। और फिर उसकी फैमिली मतलब उसके फ्रेंड की फैमिली ने कहा भाई कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़ा पानी और सूख जाए तब तुम चले जाना। लेकिन प्रशांत जो है अपनी फैमिली के लिए काफ़ी वरिड था, इसलिए जो है वो वहाँ से तुरंत ही जाना चाहता था। और फिर उसने एक स्टिक ली और अपनी 18 किलोमीटर्स की जर्नी को स्टार्ट किया, और जो फ्लड वाटर था वो सब कुछ जो है वहाँ पे बर्बाद कर चुका था। उसका चलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। प्रशांत ऑन द वे टू हिज विलेज, प्रशांत वेडेड थ्रू द वाटर ऑन द वे। ही फाउंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। दे वर ऑल्सो रिटर्निंग होम। दे हैड टू पुश अवे मैनी फ्लोटिंग डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू मूव अहेड। There were hardly any house left in the villages.
दैट दे पास. प्रशांत वेप्ट थिंकिंग दैट नो वन इन हिज फैमिली वुड हैव सर्वाइव. अब प्रशांत जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसे मतलब पानी के थ्रू जब वो वापस जा रहा था उस ट्रिक की मदद से, तो उसे रास्ते में जो है उसके अंकल के दो दोस्त मिले. वो भी जो है अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें जो है मतलब डेड बॉडीज़ को हटाते हुए, ह्यूमन की है चाहे एनिमल्स की है, उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते जाना था. तो अब शायद ही कोई ऐसा घर था जो बचा हो उस तूफान के बाद. तो ऐसा कोई घर नहीं था जो कि बचा था. और वहाँ पे जो है प्रशांत जो है ये देखता हुआ, सोचता हुआ, रोता हुआ आगे बढ़े जा रहा था कि शायद उसकी फैमिली ने शायद ही सर्वाइव किया हो इस फ्लड के बाद. ये सोच सोच के जो है उसे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था. प्रशांत रीचेज हिज विलेज. अब प्रशांत जो था किसी तरीके से अपने गांव पहुंच चुका था. फाइनली प्रशांत रीच हिज विलेज कलिकुडा. द रूफ वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हिज हाउस. सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली देयर. ही सॉ हिज मेटर्नल ग्रैंड मदर देयर. इट वॉज अ मिरेकल फॉर देम टू सी प्रशांत अलाइव. दे हैड थॉट प्रशांत टू बी डेड. प्रशांत फैमिली वॉज देयर. अब जब वो अपने गांव कालीकुडा जो था वापस पहुंच गया था, सिर्फ उसके घर की छत थी जो बची थी. और फिर जब उसे वहां पे कोई नहीं दिखा तो वो रेड क्रॉस शेल्टर में गया अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए. वहां पे उसने अपनी मेटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि नानी को देखा उसने वहां पे. और मतलब उनके लिए भी एक मिराकल था कि वो प्रशांत को ज़िंदा देख रहे थे. इधर प्रशांत ये सोच रहा था कि शायद उसकी फैमिली नहीं रही है, और इधर प्रशांत की फैमिली ये सोच रही थी शायद प्रशांत जिंदा नहीं है. लेकिन दोनों ही जो थे भगवान की कृपा से दोनों ही सुरक्षित थे. प्रशांत नाउ लीडर ऑफ हिज विलेज. प्रशांत डिसाइडेड टू असेस द डैमेज एंड द डेंजर अवेटिंग द सर्वाइवर्स. ऑल द हाउसेज इन द विलेज हैड बीन वॉश्ड अवे. प्रशांत ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ्स ऑफ हिज विलेज. ही प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव देम सम राइस. दे मेड अ फायर एंड कुक्ड द राइस. हाउएवर द राइस वॉज रॉटिंग. दिस नेक्स्ट स्टेप वॉज टू क्लीन द प्लेस ऑफ द फिफ्थ यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज़. अब जो था प्रशांत ने जो है ये डिसाइड किया कि वो जो है वहाँ पे असिस्ट करेगा. यहाँ पे उसने जो है ग्रुप बनाया और उसने वहाँ पे जितने भी वहाँ पे पीड़ित थे सबकी मदद करने के लिए सोचा. तो इसके लिए उसने यूथ ग्रुप बनाया था. वहाँ पे जो है उसने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया अपने विलेज में. और उसने मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों को, दुकानदारों को ये प्रेशराइज किया कि वो उन्हें कुछ चावल दे दे ताकि वो उसे पका के और खा सकें और लोगों की भूख मिटा सकें. और दूसरा उसका स्टेप था कि वहाँ पे जितनी भी जगह थी वो क्लीन करने के लिए, ताकि जो है वहाँ फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ वगैरह की वजह से जो बदबू आ रही थी उन सब जगह को साफ़ करके और वहाँ पे दोबारा से रहने योग्य स्थान उनका बनाने के लिए उसने सोचा था. Children devised a method to get food from the above. On the fifth day, a military helicopter dropped food, but it didn't return. The group deputed the children to lie there. They had the empty utensils on their stomachs. It was to communicate to the passing helicopters that they were hungry. Finally, they got food through the air dropping. तो अब जो था चिल्ड्रन जो था उसका एक अगला स्टेप था कि वहाँ पे जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स थे, जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं मिलिट्री के थे, अब वो जो थे वहाँ पे वो खाना गिरा रहे थे. लेकिन वो वहाँ से एक बारी उड़ के चले गए तो दोबारा वापस नहीं आए थे. तो उसने क्या किया, बच्चों के पेट पे खाली यूटेंसिल्स जो थे बांध दिए थे ये मैसेज देने के लिए कि वो लोग भूखे हैं और उन्हें भी खाने की ज़रूरत है. जब उन हेलीकॉप्टर्स वालों ने ये देखा कि भाई वहाँ पे जो है बच्चे खाली यूटेंसिल्स लेके जो है लेटे हुए हैं, तो उनको ये मैसेज मिल गया था. और फिर उन लोगों ने वहाँ पे खाना ड्रॉप कर दिया और फाइनली उन्हें खाना मिल गया था.
Prashant became a savior and a social worker. Prashant became a savior. He brought the orphaned children and children were sinking deep. अब प्रशांत जो था एक सेवियर बन चुका था और इस तरीके से जो है उसने वहाँ पे गांव वालों की और बच्चों की मदद करी उन्हें सरवाइव करने के लिए। ये थी स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म ऑफ इरसामा की। इसके प्लीज़ समरी कीजिएगा और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी कीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।